हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में मोल्ड के बारे में कि मोल्ड क्या है, उसका क्या कार्य होता है, कैसे वो काम करता है। बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, बहुत सारे इसमें पार्ट लगे होते हैं। इस वीडियो में हम उन सब की बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपके पास भी उतना टाइम नहीं होएगा कि आप लगातार वीडियो देख सके। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो मतलब एक ही टॉपिक पर वीडियो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके लाई जाए ताकि आपको भी देखने में आसानी होगी, आप भी बोर नहीं होगे और सीखने को भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में कि मोल्ड क्या है और कैसे कार्य करता है। इन दो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल फादर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें, कोई भी जानकारी मिस आप ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोल्ड का मतलब होता है सांचा, ढांचा। ढांचा कह लो या सांचा कह लो, अगर आप मोल्ड को हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो उसका मीन्स आएगा सांचा। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को शेप देने के लिए जिस भी वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसी को हम मोल्ड कहते हैं। उसकी तकनीक को कहते हैं मोल्डिंग, और मोल्ड कहते हैं जिसके द्वारा हम वस्तु को आकार प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जो ईंट होती है, जो हमारे घरों में ईंट लगी होती है, उसकी सिंगल यूनिट मतलब कि ईंट जिस भी चीज़ से बनती है, आप देखते होंगे भट्टे के पास से आप गुजरते होंगे जहाँ पे ईंट तैयार की जाती है, वहाँ पे आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बॉक्स टाइप होते हैं, उनमें हम गारा डालते हैं जो मिट्टी और पानी का बना हुआ आता है, उस गारे को डालते हैं, फिर उसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद में हम भट्टे में उसको गर्म करते हैं मतलब पकाते हैं, तो तब जाके ईंट तैयार होती है। तो जिस ढांचे में हम मिट्टी को, गिल्ली मिट्टी को डाल के उसे शेप दे रहे हैं वही मोल्ड है। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जिसका प्रयोग हो रहा है पार्ट को शेप देने के लिए केवल उसी को मोल्ड कहेंगे। नहीं, किसी भी फील्ड में चले जाइए आप अपने आसपास देखते होंगे, जैसे कि मोहल्ले में घूमते हैं कुल्फी वाले, कुल्फी वालों के पास एक मतलब डिब्बी टाइप होती है, उसमें वो गर्म दूध डाल देते हैं और फिर उसमें एक लकड़ी की जो डंडी होती है वो डाल देते हैं, वो जो ठंडी होकर जम जाती है फिर उसकी कुल्फी बन जाती है। तो वो जो डिब्बी है वो भी मोल्ड है एक तरह से। तो वस्तु को आकार देने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसी को मोल्ड कहते हैं, या सांचा कहते हैं, या ढांचा कहते हैं, या मोल्ड कहते हैं। ये तो हो गई मोल्ड की इंट्रोडक्शन, मोल्ड का इंट्रोडक्शन हो गया कि वस्तु को आकार प्रदान करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसी को हम मोल्ड कहते हैं, जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको हम मोल्डिंग कहते हैं। मोल्डिंग और मोल्ड अलग अलग हैं। दोस्तों, मोल्ड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कैविटी हिस्सा, दूसरा होता है कोर हिस्सा। ये दो प्लेटों में लगे होते हैं, एक होती है फिक्स प्लेट और दूसरी होती है मूवेबल प्लेट। वो आती जाती है, जब मोल्ड क्लोज होता है या मोल्ड ओपन होता है तो वो प्लेट आगे पीछे जाती है। कैविटी की तरफ जो प्लेट होगी, कैविटी की साइड जो प्लेट होगी वो हमेशा फिक्स प्लेट होगी, और कोर की तरफ जो प्लेट होगी, कोर हिस्सा जो लगा होगा जिस प्लेट में, वो मूवेबल प्लेट होगी, रिमूव होती रहेगी, वो आती जाती मूवेबल होगी, आती जाती रहेगी मोल्ड क्लोज और मोल्ड ओपन होते वक्त। तो कैविटी लगी होती है फिक्स प्लेट में और कोर लगी होती है मूवेबल प्लेट में। ये हो गई मोल्ड के हिस्से की बात। दोस्तों, इसमें गाइड पिन भी लगे होते हैं, गाइड पिन बोल लीजिए या फिर गाइड पिलर बोल लीजिए। उनका काम होता है कि जो कैविटी हिस्सा है, कैविटी और कोर की साइड को, दोनों जब मोल्ड क्लोज होता है उनको एक अलाइनमेंट में लाने के लिए, ताकि मोल्ड ऊपर नीचे ना हो जाए, उसको बिल्कुल एक ही सीध में लाने के लिए या एक अलाइनमेंट में लाने के लिए उन पिनों का या उन पिलरों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, नोजिल के आगे और मोल्ड के ठीक पीछे लोकेटिंग रिंग लगाई जाती है। उसका कार्य होता है कि स्प्रू बुश और नोजिल के अलाइनमेंट को बिल्कुल एक सीध में रखने के लिए। अगर वो सीध में नहीं होगा और मटेरियल को इंजेक्ट किया जाएगा तो मटेरियल इधर उधर चला जाएगा लेकिन मोल्ड में नहीं जाएगा। तो उसी को ठीक करने के लिए या फिर नोजिल और स्प्रू बुश को आमने सामने लाने के लिए, सही सीध के लिए जिस भी चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसको लोकेटिंग रिंग बोलते हैं। लोकेटिंग रिंग नोजिल के लास्ट में, स्प्रू बुश के स्टार्टिंग में लगी होती है। जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हो, एक तरफ स्प्रू बुश है और दूसरी तरफ नोजिल है। नोजिल और स्प्रू बुश सही सीध में नहीं है क्योंकि इसमें लोकेटिंग रिंग नहीं लगी हुई। अगर इसमें लोकेटिंग रिंग लगी होती तो स्प्रू बुश और नोजिल दोनों एक सीध में होते और आराम से इंजेक्शन हो जाता। तो लोकेटिंग रिंग का प्रयोग हमेशा नोजिल और स्प्रू बुश के सही अलाइनमेंट, सही सीध के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मोल्ड काम कैसे करता है या कार्य कैसे करता है। सबसे पहले मोल्ड क्लोज होता है,
क्योंकि मोल्ड क्लोज होगा तभी इंजेक्शन हो पाएगा। अगर मोल्ड क्लोज नहीं होगा तो जो मेल्ट मटेरियल है वो हमारा नीचे गिर जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मतलब अब आ जाएगा साइकिल टाइम, सबसे पहले होगा मोल्ड क्लोज। मोल्ड क्लोज होने के बाद जब मोल्ड अच्छे तरह से क्लोज हो जाएगा गाइड पिलर या गाइड पिनों की हेल्प से, मोल्ड क्लोज होने के तुरंत बाद इंजेक्शन होएगा। इंजेक्शन टाइम या इंजेक्शन कह लीजिए, इंजेक्शन करने में जितना टाइम लगता है, इंजेक्शन होने में जितना टाइम लगता है उसी को इंजेक्शन टाइम कहते हैं। तो उसके मोल्ड क्लोज होने के तुरंत बाद इंजेक्शन होएगा। इंजेक्शन से मेल्ट मटेरियल मोल्ड में जाएगा कैविटी के थ्रू या कोर के थ्रू, वो पार्ट बन जाएगा। इंजेक्शन होने के तुरंत बाद एक होल्डिंग प्रेशर लगा होता है। होल्डिंग प्रेशर इसलिए लगा जाता है ताकि जो हमारा मेल्ट मटेरियल मोल्ड में गया है उसका प्रेशर कम होने की वजह से शॉर्ट शॉर्ट ना आ जाए। अगर हम होल्डिंग प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि एक आगे बहुत मतलब थोड़ी सी जगह होती है जिसके थ्रू मोल्ड में मटेरियल जाता है, अगर उस पर पीछे से फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो मटेरियल ठीक से फिल नहीं होगा मोल्ड के अंदर और पार्ट में शॉर्ट शॉर्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। होल्डिंग प्रेशर भी दोस्तों एक नाप तोल के लगाया जाता है। अगर होल्डिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लैश आने की प्रॉब्लम होगी, और अगर होल्डिंग प्रेशर कम होगा तो शॉर्ट शॉर्ट आने की प्रॉब्लम होगी। तो होल्डिंग प्रेशर भी बिल्कुल मानक, जो मानक होते हैं ना किसी भी चीज़ के, कि हाँ भाई इसे इतना देना है, इसे इतना देना है, उसी के अकॉर्डिंग होल्डिंग प्रेशर भी दिया जाता है। तो दोस्तों इंजेक्शन होने के तुरंत बाद हो जाती है कूलिंग शुरू, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और कूलिंग के दौरान ही रिफिलिंग होती है। कूलिंग में टाइम लगता रहता है, उधर तो कूलिंग चलती रहती है मोल्ड में और दूसरी तरफ रिफिलिंग होती रहती है। रिफिलिंग बोल लीजिए या फिर चार्जिंग बोल लीजिए, रिफिलिंग और कूलिंग ये दोनों एक ही टाइम पर होती है, इसलिए रिफिलिंग का टाइम साइकिल टाइम में ऐड नहीं किया जाता है। सबसे पहले मोल्ड क्लोज होएगा, फिर इंजेक्शन होएगा, फिर कूलिंग होएगी। कूलिंग होने के तुरंत बाद दोस्तों मोल्ड ओपन होएगा। मोल्ड ओपन होने के बाद में इजेक्टर पिनों की हेल्प से पार्ट को निकाला जाएगा। इजेक्टर पिन पार्ट को बाहर फेंक देगी, ये आप देख सकते हो कि बारीक बारीक पिन है, ये बाहर धकेलती है पार्ट को, पार्ट को बाहर धकेलती है। इससे डैमेज भी नहीं होता क्योंकि ये पिनें इस टाइप से बनाई जाती है, ज़्यादा नुकीली नहीं होती ताकि पार्ट पे कोई निशान या स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। इसीलिए ये पिन इस तरीके से बनाई जाती है कि छेद ना होए, कोई निशान ना आए पार्ट पे। तो दोस्तों आपको मोल्ड का कार्य समझ में आ गया होगा कि मोल्ड कैसे काम करता है। सबसे पहले मोल्ड क्लोज होता है, फिर इंजेक्शन होता है, फिर कूलिंग होती है। कूलिंग होने के बाद मोल्ड ओपन होता है। मोल्ड ओपन होने के बाद इजेक्टर पिनों की सहायता से पार्ट को निकाल लिया जाता है। ये एक सर्कल होता है इसलिए इसे साइकिल टाइम भी कहते हैं। तो मोल्ड का काम करने का तरीका यही होता है। दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं एक बोनस टिप भी दे देता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं या काफ़ी स्टूडेंट्स बच्चे या फिर वर्कर बोल लीजिए, वो बोलते हैं कि एक ओके पार्ट को बनने में जितना समय लगता है उसी को साइकिल टाइम कहते हैं। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। एक शॉट में लगे समय को साइकिल टाइम बोलते हैं, चाहे वो पार्ट ओके हो या नॉट ओके हो या रिजेक्ट हो, कुछ भी हो, एक शॉट में लगे समय को साइकिल टाइम कहते हैं, ना कि एक ओके पार्ट को निकलने में जितना टाइम लगता है उसको साइकिल टाइम कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में बताया मोल्ड का इंट्रोडक्शन और मोल्ड क्या है और मोल्ड का कार्य क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल्ड के बारे में ही बात करेंगे, मोल्ड की जो फंक्शन है या फिर मोल्ड में जो पार्ट लगे होते हैं उनका क्या कार्य होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में केवल मोल्ड के टॉपिक पर। तब तक आप अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।